हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 13 से लाइमलाइट में आए विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने हाल ही में टीवी के मशहूर निर्माता और निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करा दी है। हिंदुस्तानी भाव जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एकता कपूर को देश के लिए गद्दार बता दिया और साथ ही एक ट्वीट करते हुए लिखा, पुलिस कंप्लेन फाइल की है आज देश के गद्दारों के खिलाफ, जिनका नाम है एकता कपूर और शोभा कपूर, जो हमारी इंडियन मिलिट्री और उनकी यूनिफॉर्म एम्बलम कर्नल टैग को अश्लील तरीके से दिखा रहे हैं ऑल्ट बालाजी ऐप पर। जय हिंद। तो हिंदुस्तानी भाव का कहना है कि एकता कपूर और ऑल्ट बालाजी ने भारतीय जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनका मजाक बनाया है। अपने एक और ट्वीट में इस सोशल मीडिया सेंसेशन ने लिखा, ऐसा मजाक उड़ाया है कि हमारी इंडियन आर्मी का अब ये नया हिंदुस्तान है। एकता कपूर और शोभा कपूर को जल्दी से जल्द अरेस्ट करो। तो आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मामला एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी पर रिलीज हुई सीरीज ट्रिपल एक्स से शुरू हुआ है, जिसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि आर्मी जवान जब बॉर्डर पर जाता है तो उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। इस दौरान आर्मी के वर्दी के साथ एक एडल्ट सीन भी दिखाया गया है और हिंदुस्तानी भाव को यही बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है और उनकी गिरफ्तारी की अब मांग कर रहे हैं।